अरे तुम चिल्ला चिल्ला के यहाँ हाथ पटक पटक के बोला तो कहा मान ले, ये गलत बात काहे को बोला, तो कनिक सोच समझ के बोला, मर जाए तो भगवान के मुंह दिखाई पड़ी। मिस्टर धर्मचंद, तमीज से बात करो, ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। अरे घर अदालत दोनों जगह हम तमीज से बात करते हैं। हुजूर आप हमारी बात सुना, इनका बात ना सुना, इनका तो तबीयत खराब हो गई, ना जाने का बर्बाद है। देखो हुजूर, हम तो कसम समझाए थे, ये जो अजीत बाबू है ना, ये दूठो साथी लेके हमारे गाँव आ रहे शिकार खेले। अच्छा उस शिकार में हम हाका डालत रहे सरकार, तो उनका बाबा उस शेर जौन रहा इन पर हमला कर दी। अब तो का हम कहा बताई सरकार, दूठे साथी रहने इनका दुम दबा के भाग गए। अब सरकार हम अकेले इन हाथन से उस शेर को मारा है, मार के हम अजीत बाबू की जान बचावा है। तो अजीत बाबू बहुत खुश हो गए, बोले देखा धर्मा हम बहुत खुश हैं तो से, तू शहर आजा, हम तो कहीं नौकरी दे रहे, तुम अपन महरारू और बच्चा के लेकर के हम यहाँ शहर आ गए हैं। यहाँ शहर में गोदाम में हमका 400 रुपए का पगार दीन है और नौकरी पे लगा दीन है। कितना रुपए देता है? 400 रुपए। हाँ, और उसके बाद हुजूर ये लोग बहुत खुश हो गए, हमारा पगार बढ़ाए दीन है, 600 रुपया कर दीन है। कितना रुपया कर दीन है? मिस्टर अजीत सिंह को अदालत में पेश किया जाए। अजीत सिंह में दलित सिंह हाजिर हो। जय राम जी की मालिक। अरे हम कहा राम राम अजीत बाबू। राम राम। अरे बहुत अच्छा हुआ आप आए गए मालिक, ये जौन वकील साहब है ना, इनका तो दिमाग खराब हो गवा है। ये कहा था कि वो जौन गोदाम है वो हमार है, हम होकर मालिक है, ओमा जितना सामान है वो सब हमार है, भला बतावा मालिक, ही कैसन हो सकत है, तनिक समझावा इनका। ठहर जा आए गए ना अजीत बाबू, बहन तो का ठिकाने करत है। कहा करत है ठिकाने? हाँ बोला मालिक बोला। मैं भगवान को साक्षी मानकर गीता की सौगंध खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश। मिस्टर अजीत, आप इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ। एक बार मैं इसके गांव शिकार खेलने गया था, वहाँ शेर से इसने मेरी जान बचाई थी। देखा हुजूर का कह रहा तो से हम। हाँ बीच में मत बोलो। ना ही बोलो हुजूर, हमारे तो आदत है ना ही है बोले की। तनिक आप अजीत बाबू के सुना। हाँ मालिक बोला तुम। फिर आपने इसकी बहादुरी से खुश होकर इसे शहर आने की दावत दी थी? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोचिए वकील साहब, आखिर में ऐसे शहर क्यों बुलवाता? माना कि ये शेर का बड़ा अच्छा शिकारी है, मगर यहाँ शहर में कौन से शेर हैं जिनका मैं इससे शिकार करवाता? ये बेचारा खुद ही मुझे ढूंढता यहाँ चला आया। अरे का कहा तो मालिक, तुम्हें तो हम कहीं यहाँ शहर लाए हो। याद है गांव में तुम हमसे कह रहे हम बहुत काम के आदमी है, बहुत ईमानदार है, तो कहा हमारी जरूरत है, भूल गए हो कहा? मिस्टर धर्मा, बीच में बोलने की यहाँ किसी को इजाजत नहीं। नहीं हजूर, तनिक इनका याद दिलात रहे। हाँ तो फिर? एक दिन ये बेचारा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं गांव से तंग आ गया हूँ, खेती बाड़ी चलती नहीं है, मुझे कुछ काम दीजिए। तो मैंने अपनी जान बचाने के एवज में बगैर कोई एडवांस लिए अपना चेंबूर वाला गोदाम जो बेकार पड़ा हुआ था 5 साल के लिए इसे किराए पर दे दिया। अरे गीता की सौगंध खाए हो, पाप लागी, काहे गरीब पे पसावत हो? हाय ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर। इसके बाद धर्मा उस गोदाम में क्या करता था और क्या नहीं करता था मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोला था सरकार। खामोश रहो धर्मा। अरे कैसे खामोश रही हुजूर, ये सच रहा, हमको बताने का कोशिश करा था, वो गोदाम हमारा नहीं है। योर ऑनर, ये रहे वो स्टैंप पेपर जिस पर गोदाम देते वक्त धर्मा ने खुद दस्तखत किए हैं। अरे वो का देखी है ससुर के नाते, तो कहता हम देख ले पे। माय गॉड, अरे मर गए। मुल्ज़िम धर्मा, गवाहों के बयानात और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें 1.5 साल बामुशक्कत सजा देती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अदालत तुम्हें 6 माह की और सजा देती है। ए, कौन चाहिए? अरे तनिक सुना बाबू, देखा यहाँ वो 3 आदमी काम करते हैं का? 3 आदमी? हाँ, का नाम है उनका, अजीत बाबू, सुजीत बाबू, धर्मा। अरे सुरेश बाबू, मिल गए। अरे राम राम सुरेश बाबू, कैसन हो? अच्छा हूँ। ये देखा, ये हमारे महरारू है, ये हमारे बहनिया, ये छोटे ठाकुर। अरे नमस्ते करो सुरेश बाबू का। अरे धर्मा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अजीत बाबू तुम्हें कितने दिनों से याद कर रहे थे। कहाँ है अजीत बाबू? हाँ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अंदर। है चलो, आप लोग यहाँ बैठिए। हाँ तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, हम बहन आए थे, ये सामान तनिक हमारे संभाले। हम यहाँ छोड़े जाते हैं। हाँ चलो सुरेश बाबू।
देखा हमार चाची से ईलो कितने अच्छे हैं, कितनी प्यार से बात कर रहे थे। क्यों धर्मा तुम कब आए? मालिक कल आए हैं हम, यहाँ इतना परेशान होगा, अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। क्या बात? अब तो का कहा बताई मालिक, यहाँ के लोग इतने रुखे हैं, इतने रुखे हैं। भाई सब लोग रुखे नहीं हैं, अब हमें देख लो, तुम्हारी जरूरत पड़ी हमने बुला लिया। अरे मालिक आप लोग तो देवता हैं, देखा आप लोग हमका यहाँ बुला हम चले आए हैं, अब हमारे रह का कौनो ठिकाना कर दिया। देखा कल से हम लोग सड़क पे पड़ा है, बाहर हमारे मेहरारू और बहनिया खड़े, उन्हों को बुला ले। कहा नहीं नहीं जरूरत नहीं है, एक काम करो मंगल यहाँ हो जी, वो बस्ती वाली खोली थी ना रामू रहता था जिसमें, वो खाली हो गई ना, तो एक काम करो कि वो खोली धर्मा को दे दो। और धर्मा एक काम तुम भी करो, आज आराम करो, कल से काम पे आ जाना। अरे कल का है मालिक, हमार माँ हमसे कहत रहा है। कौन कहत रहा है? माँ। हाँ वो कहत रहा है कि धर्मा देखा कल करे सो आज करे और आज करे सो। हाँ 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 समझ गया समझ गया। सुरेश धर्मा को गोडाउन में ले जाओ। अच्छा अच्छा मालिक हम जाए थे। राम 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 सुजीत बाबू। राम 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 राम। तो आग बहुत बड़ी बड़ी लाग है इधर सामने, क्या करा था धर्मा? आ हो जो आओ आओ आओ, मैं तुम्हें यहाँ के लोगों से मिलाता हूँ। यह है भल्ला और यह है राजन। राम राम भैया। राजन यहाँ के इंचार्ज हैं और तुम्हें इनके हाथ के नीचे काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ईमानदारी और मेहनत से इनका दिल जीत लोगे और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दोगे। अरे शिकायत का मौका का है देवा हुजूर, मेहनत से काम करवा। देखा भैया हम अभी ना बहन गांव से आए हैं, कौनो भूल चूक हो जाए तो हमका माफ कर दे। हाँ वैसे हम बड़बड़ात बहुत है लेकिन हमारा दिल जौन है ना बहुत साफ है। कहाँ है? साफ है। साफ है साफ से हमका याद आवा, एक दिन हमार माँ हमसे कह रही धर्मा धर्मा भल्ला इन्हें अंदर ले जाओ। हुजूर तने कहानी हम इनका सुनाई दे फिर सही। जब देखा तो हमारी कहानी कौन सुन। राजन इस आदमी पे जरा नजर रखना,